बचपन में क्या होता था ना, जब हम साइकिल से गिर जाते थे या कहीं पे हमें चोट लग जाती थी, हमारे आसपास के बड़े लोगों ने पता है क्या किया? अरे उठो उठो, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, अरे वो देखो प्लेन, अरे वो देखो साइकिल, अरे वो देखो ये और वो, हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी। और हम मूर्ख स्टूपिड बच्चे, हम भी हो जाते थे डिस्ट्रैक्ट, लग जाते थे काम में, खेल कूद में, चोट लगी हुई है लेकिन हम चले। अब बड़े लोग ये क्यों कर रहे थे इसको समझते हैं आप। इसकी साइकोलॉजी ये है कि वो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि वो आपका रोना नहीं झेलना चाहते, वो लोग वो नॉइस को नहीं झेलना चाहते जो आप या एक छोटा बच्चा चिल्ला चिल्ला कर उनको बोलेगा कि मुझे चोट लग गई। बिकॉज दीज एडल्ट्स डोंट हैव कैपेसिटी और डोंट हैव एडिक्वेट स्किल्स टू एक्चुअली पैसिफाई दैट चाइल्ड एंड टीच देम गुड कोपिंग स्किल्स। तो बहुत कम लोग ये करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द एडल्ट्स इसको डिस्ट्रैक्शन करके हटाना चाहते हैं। प्रॉब्लम इसकी, हम भी यही देख के बड़े हुए, यही सुन के बड़े हुए, तो हम भी यही करने लग गए। लॉट ऑफ पीपल अमंग अस व्हाट डू डू इज कि अगर उनके पास कोई इंसान आता है, उनका पार्टनर आता है या कोई भी आता है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते, वो सोल्यूशन देने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करने लग जाते हैं, उनको उस प्रॉब्लम को, उस इमोशन को एक्सप्रेस ही नहीं करने देते। एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हो क्योंकि आपसे इमोशन झेले नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि हाउ टू हेल्प द अदर पर्सन। लेकिन आपने डिस्ट्रैक्शन से, ये कोई सामने वाला छोटा बच्चा नहीं है जो बहक जाएगा और भूल जाएगा अपनी चोट या दर्द को, सामने वाले इंसान के अंदर एक्चुअल इमोशनल हर्ट है और आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो, आपके प्रति और ज्यादा इरिटेबिलिटी और अनोयंस डेवलप हो जाएगी अंदर कि ये कैसा इंसान है यार। ऐसे मोमेंट्स पे चाहिए सामने वाले बंदे को आपका सपोर्ट, आपकी वैलिडेशन, आपकी गाइडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ना कि डिस्ट्रैक्शन और उसको मिनिमाइज करना और हल्के में ले जाना चीजों को। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो रिश्ता बहुत जल्दी खराब होने वाला है, और अगर आप नहीं चाहते ऐसा है तो या तो आप इतना ज्यादा अंदर पेशेंस रखो कि आप बात सुनो बैठकर, एक्टिव लिसनर बनो, कंपैशनेट लिसनर बनो, हेल्प करने की पूरी कोशिश करो, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी जो लीस्ट आप कर सकते हो कि इस इंसान को उस इंसान से कनेक्ट करवा दो जो इसकी हेल्प कर पाएगा, जैसे कि कोई प्रोफेशनल, कोई थेरेपिस्ट, कोई काउंसलर, या कोई एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्वर जो इस प्रॉब्लम को, इस पर्टिकुलर दिक्कत को ठीक कर पाए, इमोशनली हेल्प कर पाए, तब जाकर आप अपना एक रिश्ता निभा रहे हो। आई होप दिस रीचेज यू। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट।